सुशांत के जाने के बाद एक बड़ी बहस छिड़ गई थी कि क्या इंडस्ट्री में हर एक आउटसाइडर के साथ ऐसा ही होता है। हालांकि गटरवुड ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी और इल्जाम सुशांत पर ही लगाया गया और उनके लिए गलत गलत बातें मीडिया में कही गईं। लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में बोल रहे हैं इंडस्ट्री के वो एक्टर जिन्होंने खुद बहुत कुछ झेला है और उन्होंने कहा है कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ वो इंडस्ट्री में होता है। यहाँ पर लोग अगर किसी से जलते हैं, किसी को पसंद नहीं करते, तो उसका करियर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि रणवीर शौरी हैं। रणवीर शौरी जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ सोन चिड़िया फिल्म में काम किया था, उन्होंने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में इस गटरवुड को लेकर, सुशांत को लेकर और रिया चक्रवर्ती के ठरकी आशिक महेश भट्ट को लेकर बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ बताया है, जिससे एक बार फिर इस बॉलीवुड का नंगा सच सबके सामने आ गया है कि कैसे यहाँ टैलेंटेड आउटसाइडर्स को तोड़ने की, उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की जाती है और अगर वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते तो कैसे उन्हें इस दुनिया से ही विदा कर दिया जाता है, जैसे सुशांत को कर दिया गया। तो आखिर ऐसे क्या क्या खुलासे किए हैं रणवीर शौरी ने, सुशांत को लेकर क्या बोले हैं, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो रणवीर शौरी ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कहा कि इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स के साथ ऐसा ही होता आया है। उनके खिलाफ एक ग्रुप है जो गैंगअप होता है, उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर करता है, उन्हें धक्का देकर ग्रुप से बाहर निकाला जाता है, उनके टैलेंट के बारे में बात नहीं की जाती है, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। सेम इंटरव्यू में रणवीर शौरी ने यह भी खुलासा किया है कि कैसे जब वो पूजा भट्ट को डेट कर रहे थे तब महेश भट्ट उनसे बहुत अच्छे बोलते थे, लेकिन जब पूजा भट्ट से उनका झगड़ा हुआ तो उन्होंने महेश भट्ट का असली रूप देखा और इसके बाद उन्होंने महेश भट्ट, जिसकी वो पहले बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दी। आपको बता दें कि एक्टर रणवीर शौरी ने फिल्म मेकर महेश भट्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि महेश भट्ट के लिए उनके दिल में बहुत सम्मान था लेकिन उन्हें मैनिपुलेट किया गया। रणवीर शौरी ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की और कहा कि यही चीज उनके साथ हुई थी। रणवीर शौरी के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में खूब गुटबाजी होती है और ऑफ द रिकॉर्ड हर कोई इस बात को स्वीकार करेगा। घोसला का घोसला, एक था टाइगर, टाइगर थ्री, कड़वी हवा और भेजा फ्राई जैसी फिल्मों में काम कर चुके रणवीर शौरी कभी महेश भट्ट की बेटी और एक्ट्रेस पूजा भट्ट को डेट करते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें महेश भट्ट ने काफी मैनिपुलेट किया। ये बात रणवीर शौरी ने ANI को दिए एक इंटरव्यू में कही। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड की गुटबाजी पर भी खुलासा किया। रणवीर शौरी ने कहा, मेरे मन में मिस्टर भट्ट के लिए बहुत सम्मान था लेकिन जब तक वो बवाल नहीं हुआ था तब तक, जब मैं उनकी बेटी पूजा भट्ट को डेट कर रहा था तो मैंने देखा कि वास्तव में उनके प्रति मेरे मन में जो भी सम्मान था उसका इस्तेमाल वो मुझे बरगलाने के लिए कर रहे थे, मेरे साथ बहुत ही दोगला व्यवहार किया जा रहा था। रणवीर शौरी ने आगे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी बात की। सुशांत 14 जून 2020 को अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद फिल्म इंडस्ट्री में वर्क कल्चर और गुटबाजी पर खुलकर चर्चा होने लगी थी और ये बहस का मुद्दा बन गया था कि बॉलीवुड में किस कदर गुटबाजी होती है। रणवीर शौरी ने कहा कि जब कुछ साल बाद सुशांत के साथ भी उनके जैसा ही व्यवहार किया जाने लगा तो उन्हें लगा कि अब बोलना चाहिए। रणवीर शौरी ने कहा, ये इंडस्ट्री में खूब होता है, किसी के खिलाफ गैंग बनाना, उन्हें साइडलाइन कर देना, किसी और का सहारा लेकर उसके ऊपर खड़े हो जाना, किसी के करियर को बर्बाद करना, ये होता है, ये सच है। ऐसा राजनीति, कॉरपोरेट और मीडिया में भी होता है लेकिन ये ग्लैमरस नहीं है। रणवीर शौरी ने फिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉन्ड पर बात की। दोनों ने साथ में फिल्म सोन चिड़िया में काम किया था, इसमें मनोज बाजपेयी और भूमि पेडनेकर समेत कई और कलाकार थे। रणवीर शौरी ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम करीब थे लेकिन हम दोस्त थे, हमने साथ काम किया, वो कई बार घर आए थे और सोन चिरैया की 2 महीने की लंबी शूटिंग के दौरान हम काफी करीब रहे। हम दोनों का बॉन्ड फिजिक्स के कारण डेवलप हुआ, हम दोनों को ही ये बहुत पसंद है, हम उस पर काफी बातें करते थे। रणवीर ने आगे बताया, मुझे याद है जब हम शूटिंग कर रहे थे तब चंद्र ग्रहण पड़ा था और उसे देखने के लिए सुशांत ने मुंबई से अपना टेलीस्कोप मंगवा लिया था। सुशांत ने उसे गार्डन में लगाया और फिर सब ने चंद्र ग्रहण देखा। बता दें कि सोन चिड़ैया साल 2019 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली पर इसकी खूब तारीफ हुई थी। तो रणवीर शौरी के इन खुलासों पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।
14 जून 2020 के दिन एक बेहद टैलेंटेड स्टार इस दुनिया को अलविदा कह गया। आखिर उस दिन सुशांत के साथ क्या हुआ था, ये सवाल आज तक ज्यों का त्यों बना हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत करियर में अच्छे थे, एक्टिंग अच्छी कर रहे थे, काम उनके पास भरपूर था, पर्सनल लाइफ में वो खुश थे, उनकी शादी की तैयारियां चल रही थी, वो एक आलीशान फ्लैट में रह रहे थे और आलीशान गाड़ियों के मालिक भी थे। इनफैक्ट बाइक से भी उन्हें प्यार था और उन्होंने जाने से कुछ समय पहले ही BMW की बाइक खरीदी थी जिसकी कीमत तकरीबन 26-27 लाख होती है। तो कुछ इस तरह के शौक थे सुशांत सिंह राजपूत के। सुशांत का नाम लेते ही खांसता हुआ चेहरा सामने आता है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत का कंपैरिजन इंडस्ट्री में किया जा रहा था शाहरुख खान और अक्षय कुमार से। कहा जाता है कि यही वो आउटसाइडर्स हैं जो बाहर से आकर इंडस्ट्री में इतना बड़ा मुकाम बना पाए हैं। हालांकि शाहरुख के लिए ये बात सच नहीं है, पर सुशांत सिंह राजपूत को उन्हीं के रूप में आगे देखा जा रहा था। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का उन संदिग्ध हालात में अचानक चले जाना गटरवुड इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ कह जाता है। वैसे तो सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड में से किसी ने भी उनके जस्टिस के लिए आवाज नहीं उठाई थी, मगर गिने चुने जो कुछ ट्वीट सुशांत के जाने के बाद आए थे वो इशारा करते हैं कि गटरवुड नाम बनाने का काम तो करता है लेकिन ये एज अ फैमिली फेल्ड प्रूफ होता है। तो आखिर क्या कहा गया है इन ट्वीट्स में जो इशारा करते हैं कि सुशांत के साथ गलत नहीं बल्कि बहुत बहुत गलत किया गटरवुड ने, और कैसे किरण मौसी भी सुशांत पर ट्वीट कर फंस गई, कैसे लोगों ने लताड़ कर लगा दी क्लास, आपको दिखाते हैं बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो फिल्म धोनी में सुशांत सिंह राजपूत की स्टाइलिस्ट रह चुकी बिग बॉस की कंटेस्टेंट सपना भावनानी ने जो ट्वीट किया था वो इशारा करता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पे नेपोटिज्म कैंपिज्म बहुत चलता है और इसी से सुशांत सिंह राजपूत परेशान चल रहे थे। सपना भावनानी ने अपने ट्वीट में कहा था कि इसमें कोई राज की बात नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत पिछले काफी समय से परेशान चल रहे थे, वो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और इस इंडस्ट्री में उनके लिए कोई खड़ा तक नहीं हुआ और किसी ने भी तब उनकी तरफ मदद के लिए हाथ नहीं उठाया और आज उनके जाने के बाद सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उनके लिए ट्वीट्स कर रहे हैं। ये चीज अपने आप में कन्फर्म करती है कि बॉलीवुड में जितने भी रिश्ते होते हैं वो सभी रिश्ते खोखले होते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पास फिल्में थी, काम कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर बॉलीवुड में एक एंटी कैंप उनके खिलाफ चल रहा था। आउटसाइडर होकर उन्होंने इतना नाम कमा लिया था और वो सब बड़े बैनर्स और बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे थे। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत किरण मौसी की फिल्म में काम तो करते हैं लेकिन उस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं मिलता है। अब सोचिए कि किरण मौसी के कैंप की बुरी से बुरी फिल्म के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हो जाता है तो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म को खरीदने के लिए क्यों कोई आगे नहीं आया। साथ ही उनकी एक और फिल्म दिल बेचारा, इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूट